हेलो नर्सिंग स्टूडेंट एंड फ्यूचर नर्सेस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एडुकेयर पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैनुला के बारे में। हम जानेंगे कैनुला की मीनिंग क्या है, कितने टाइप्स का कैनुला होता है, मेनली आईवी कैनुला का कलर, साइज, एक्सटर्नल डायमीटर, फ्लो रेट, यूजेस, ये सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले जानेंगे कैनुला का मीनिंग क्या है। तो ए कैनुला इज अ थिन ट्यूब दैट मेडिकल प्रोफेशनल्स इंसर्ट इनटू ए पर्सन्स बॉडी कैविटी सच एज देयर नोज और इनटू ए वेन। मतलब कैनुला एक पतला ट्यूब का है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स एक पर्सन की बॉडी कैविटी में जैसे कि नाक के अंदर या वेन में इंसर्ट करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कैनुला। तो मेनली टू टाइप्स का कैनुला होता है, एक है आईवी कैनुला और एक है नसल कैनुला। तो फर्स्टली हम जानेंगे आईवी कैनुला क्या है। तो आईवी कैनुलास कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग प्लेस इनटू वेन। मतलब आईवी कैनुला छोटा और फ्लेक्सिबल ट्यूब का होता है जो वेन में इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे आईवी कैनुला की पर्पस क्या है। तो आईवी कैनुला मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूशंस और ड्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है। सेकेंडली एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन यानी मेडिकेशन देने के लिए यूज किया जाता है। और थर्ड है प्रोवाइडिंग फ्लूइड्स, मतलब वेन में फ्लूइड प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम कलर के हिसाब से आईवी कैनुलास को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है ऑरेंज कैनुला। ऑरेंज कैनुला का गोज है 14 गोज, इसका डायमीटर है 2.1 mm, लेंथ है 45 mm, फ्लो रेट है 240 ml पर मिनट। इसका यूजेस है ट्रोमा एंड मेजर सर्जरी एंड रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट, मतलब बार बार फ्लूइड रिप्लेसमेंट में ये यूज़ किया जाता है। एंड रैपिड फ्लूइड ट्रांसफ्यूशन, मतलब बार बार फ्लूइड ट्रांसफ्यूशन में यूज़ किया जाता है। सेकेंड है ग्रे कैनुला। ग्रे कैनुला की गोज है 16 गोज, इसका एक्सटर्नल डायमीटर है 1.8 mm, इसका लेंथ है 45 mm, फ्लो रेट है 180 ml पर मिनट। एंड इसका यूजेस सेम एज ऑरेंज कैनुला, मतलब ऑरेंज कैनुला का यूज और ग्रे कैनुला का यूज सेम ही है। नेक्स्ट है व्हाइट कैनुला। व्हाइट कैनुला का गोज है 17 गोज, इसका एक्सटर्नल डायमीटर है 1.7 mm, इसका लेंथ है 45 mm, फ्लो रेट है 142 ml पर मिनट। इसका यूजेस भी ऑरेंज कैनुला ग्रे कैनुला जैसा सेम ही है। नेक्स्ट है ग्रीन कैनुला। ग्रीन कैनुला का गोज है 18 गोज, इसका एक्सटर्नल डायमीटर है 1.3 mm, इसका लेंथ है 45 mm, फ्लो रेट है 90 ml पर मिनट। इसका यूजेस भी ऑरेंज, ग्रे और व्हाइट के जैसा सेम ही है। नेक्स्ट है पिंक कैनुला। पिंक कैनुला की गोज है 20 गोज, इसका एक्सटर्नल डायमीटर है 1.1 mm, लेंथ है 32 mm, फ्लो रेट है 60 ml पर मिनट। इसका यूज ब्लड ट्रांसफ्यूशन एंड फ्लूइड ट्रांसफ्यूशन में यूज किया जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज कैनुला इन द क्लिनिकल सेटिंग, मतलब क्लिनिकल सेटिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कैनुला है पिंक कैनुला। नेक्स्ट है ब्लू कैनुला। इसका गोज है 22 गोज, इसका एक्सटर्नल डायमीटर है 0.9 mm, लेंथ है 25 mm, फ्लो रेट है 36 ml पर मिनट। ब्लू कैनुला का यूज मोस्ट ऑफ पेडियाट्रिक केसेस में होता है एंड जिसका छोटा वेन है उसमें ब्लड और फ्लूइड ट्रांसफ्यूशन के लिए यूज किया जाता है ब्लू कैनुला। नेक्स्ट है येलो कैनुला। इसका गोज है 24 गोज, एक्सटर्नल डायमीटर है 0.7 mm, लेंथ है 19 mm, फ्लो रेट है 23 ml पर मिनट। इसका यूज मोस्टली नियोनेट्स, मतलब न्यूबॉर्न बेबी एंड बच्चों के लिए, मतलब चिल्ड्रेन के लिए ज्यादा यूज होती है येलो कैनुला। नेक्स्ट है पर्पल कैनुला। इसका गोज है 26 गोज, इसका एक्सटर्नल डायमीटर है 0.5 mm, लेंथ है 19 mm, फ्लो रेट है 10 ml पर मिनट। ये नियोनेट इन्फेंट, मतलब न्यूबॉर्न बेबी में ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट इधर से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द प्रीफर्ड एंड नॉन प्रीफर्ड साइट्स फॉर आईवी कैनुलेशन। तो प्रीफर्ड साइट्स है डोर्सल वेन, सेफेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन। एंड नॉन प्रीफर्ड साइट्स है नियर टू जेंट, ब्रांच साइट, थिन वेन्स, वेरिकोज वेन्स एंड इनफ्लेंट वेन्स। और एक क्वेश्चन आ सकता है इधर से, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवी कैनुलेशन, मतलब आईवी कैनुलेशन में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। तो आईवी कैनुलेशन में कॉम्प्लिकेशंस है फ्लेवाइटिस, सेलुलाइटिस, इन्फिल्ट्रेशन, एक्स्ट्रावेसेशन एंड इन्फेक्शन। तो आई होप आईवी कैनुला के बारे में आप लोगों को जितनी सारी डाउट्स थी वो क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और किसी भी पॉइंट में अगर आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हुई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना।